नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनडी न्यूज। मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती। बिहार की सियासत में इन दिनों हंगामा बरपा है और ये हंगामा सनातन धर्म के ठेकेदारों ने बरपा रखा है, वो भी मछली खाने को लेकर। हैरानी की बात यह है कि मछली खाने वाले दो में से एक शख्स ने इसका वीडियो बनाते वक्त ही कह दिया था कि इस वीडियो को देखकर कई लोगों को मिर्ची लग जाएगी, और हुआ भी यही। और सबसे ज़्यादा मिर्ची बीजेपी और उसके अंधभक्तों को लगी है। अब सवाल उठता है, मछली खाया कोई और मिर्ची किसी और को लग रही है, लेकिन आखिर क्यों? दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में तेजस्वी यादव उड़ रहे हेलीकॉप्टर में वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी के साथ लंच कर रहे हैं, जिसे लेकर धर्म के ठेकेदार उन पर सवाल उठा रहे हैं और राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी का वो पूरा वीडियो देख लीजिए और सुन लीजिए। आप सब लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी मुकेश सहनी जी के साथ हैं और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं, और प्रचार करने के बाद हम लोगों को ये 10-15 मिनट मिला है जो हम लोग लंच कर सके। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है, एक कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके, और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते हैं कि मछली खिलाया आज इन्होंने। मछली कौन सा है, मछली कौन सा खा रही बताएंगे। नमस्कार साथियों, ये मछली जो है खास करके मिथिलांचल में कोसी में पाया जाता है, उसका नाम है चेचरा, और मजबूती से हम लोग प्रचार कर रहे हैं, और वही थोड़ा सा समय मिलता तो वही हम लोग का लंच हेलीकॉप्टर में ही हो जा रहा है। और प्याज, मछली और मिर्ची, ये सारी चीज, नमक है, सारी चीज हम लोग खा रहे हैं। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसमें मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले। और निश्चित तौर पे हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आने वाला समय में निश्चित तौर पे हमारे बिहार में बेहतर प्रदर्शन रहेगा, और हमारे उम्मीद है कि 40-40 सीट हम लोग जीतेंगे मजबूती से। तो जैसे मुकेश जी ने बताया चिचड़ा मछली जो है वो है, और ये चिचड़ा मछली जो है कोसी के इलाके में मिलता है, लेकिन बहुत गर्मी है, लू है, तो इसके लिए भी हम लोग जो है मट्ठा और ये आपका बेल का जूस, ये वाटरमेलन, और ये तरबूज का जूस, और ये सत्तू मट्ठा बेल का जूस जो है हम लोग जो है लेके चलते ताकि लू ना लगे, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो, उसलिए हम लोग जो है ये पीने का सामान लेकर के चलते हैं। और आप लोगों को बता दें कि पूरा बिहारी स्टाइल है, पूरा खाने का बिहार के लोग हैं हम लोग, और पूरा जो ठेठ बिहारी लोग जो सत्तू लेके चलता है, मट्ठा लेके चलता है, बेल का जूस पीता है गर्मी में, और ये तला हुआ मछली जो है एक कांटे वाला खाता, तो वही हम लोग जो का खाना है। और बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने तेजस्वी और मुकेश सहनी का वीडियो। मुकेश सहनी कह भी रहे हैं कि वीडियो देखकर बहुतों को मिर्ची लग जाएगी, वो भी यही रहा है। सनातन धर्म के ठेकेदारों को इस वीडियो को देखकर इस कदर जलन हो रही है कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा।
लिहाजा इसमें मुसलमानों को शामिल कर लिया और कहा जा रहा है कि तेजस्वी और मुकेश सहनी नवरात्रा में सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए मछली खा रहे हैं और उसका वीडियो शेयर कर रहे हैं। बीजेपी और एक्स पर बीजेपी समर्थित कई यूजर ने इस वीडियो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक मोदी भक्त जितेंद्र प्रताप सिंह ने वीडियो पर कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है कि तेजस्वी यादव को पता है नवरात्रा में हिंदू लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए और यह दिखाने के लिए कि मैं हिंदू रीति रिवाज को नहीं मानता ये वीडियो डाला है। वहीं एक दूसरे यूजर शुभांगी पंडित ने लिखा है, बेचारा कितना गरीब है, हेलीकॉप्टर में खाना खाता है और बिहार की जनता देश भर में मजदूरी करती है। यही नहीं, बीजेपी नेताओं ने इस वीडियो को लेकर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को घेरा है और इम्बाई समीकरण के तहत वोटों के लिए मुसलमानों का तुष्टिकरण करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव जी को संगत का असर हो गया है इन दिनों, जिस प्रकार के लोगों के साथ ये संगति में गए हैं उसका असर दिखने लगा है। भाई सावन में लालू प्रसाद जी ने राहुल गांधी से मटन बनवाया और बेटे तो और नायाब निकले, नवरात्र में मछली खा रहे हैं वही हेलीकॉप्टर में। अरे कहाँ ले जाना चाहते हैं बिहार को? अरे बिहार की संस्कृति को, सनातन को, इसको तो बचाइए। अपने को कृष्णवंशी कहते हैं और आप नवरात्र में मछली खाते हैं, पिताजी मटन बनवाते हैं। भाई कृष्णवंशी को कभी देखा क्या मटन और मछली खाते हुए? बिहार की जनता ने तय कर लिया है ऐसे अर्बन सनातनी को सबक सिखाना है, इनको माखन के लायक भी नहीं छोड़ना है, माखन खाने के लायक भी नहीं छोड़ना है। ये सब के सब नकली हिंदू है, अर्बन हिंदू है। लेकिन तेजस्वी और मुकेश सहनी पर आरोप लगाने वाले सनातन धर्म के ठेकेदारों के साथ साथ बीजेपी नेता ये बताना जरूरी नहीं समझ रहे कि ये वीडियो कब की है। दरअसल ये वीडियो नवरात्रि से पहले शेयर की गई है। हम आपको तेजस्वी यादव के वीडियो का स्क्रीन शॉट दिखा रहे हैं, जिसमें साफ साफ दिख रहा है तारीख 8 अप्रैल 2024। अकल के अंधों को तेजस्वी यादव ने भी अपनी सफाई दी है। उस वीडियो में मुकेश सहनी जी ने सामने सामने सर सॉरी इधर सर मिर्ची लगेगी, हम मिर्ची लग चुकी है। और दूसरी बात सुनो, ट्वीट में हमने दिनांक दे रखा है, डेट का जिक्र किया है, जो वीडियो डाला है उसमें 8 तारीख का जिक्र कर रखा है। और हम तो IQ टेस्ट भाजपा के नेताओं का और अन्य भक्तों का ले रहे थे, जिसमें कि हम सही साबित हुए हैं। इतनी प्रमुखता से ये मुद्दे की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, गरीबी की बात नहीं करते, शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं करते, लेकिन धर्म की जहाँ तक बात आती है कूद गए हैं सब। लेकिन इनके बेचारे नेता ना तो पढ़ते हैं, ना इनको कुछ समझ में आता है, एकदम अज्ञानी लोग हैं। और उसी तरीके से लोग जो हैं बयानबाजी कर रहे हैं। अरे नेता जितने हैं या जो लोग कमेंट कर रहे हैं या जो लोग सवाल उठा रहे हैं, कम से कम ट्वीट तो पढ़ लेते हैं। उसमें डेट का जिक्र है कि नहीं है, आप ही बताइए। पहले लाइन में ही 8 तारीख लिखा है दिनांक। ये तो हमने टेस्ट लिया जिसमें भाजपा पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और उनके लोग भी फेल हो चुके हैं। उसके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। अभी ऐसे ऐसे चीज के ऊपर जनता के बीच में बात कर रहे हैं। अब बताइए, खाने पीने की चीज है तो बहुत सारे लोग वेज खाते हैं, बहुत सारे लोग नॉन वेज खाते हैं, सबका अपना मन है। जरूरी कहाँ है ये? किसने कहा कि नवरात्र में वो है? उसमें डेट लिखा हुआ है कि किस तारीख को हमने खाया, उसमें लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है। और रहा कि 30 रोज कौन किसको क्या खाना, यही तो विपक्ष सत्ता पक्ष को सोचने की आवश्यकता है कि जनता के बीच में बात क्या रखना है। धर्म के ऊपर बात रखते हैं, खाने पीने की बात रखते हैं। अरे भाई, आपने जो जनता से वादा किया था चुनाव लड़ने जीतने से पहले, वो पूरा कीजिए ना। अभी लोग अपने हिसाब से देश में दुनिया में जिसको जो चीज़ खाना वो खा रहे हैं,
जिनको जो सुरक्षा है वो खा रहे हैं। हम नहीं मानते, हम भी छठ पूजा करते हैं, हम भी पूजा करते हैं, जिस समय पूजा करते हैं उस समय में लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, हम लोग भी नहीं खा रहे, तो इसका क्या मतलब है? अब जिसको जो खाना वो खाएगा। अब हमारा कौन सा वीडियो कब का है, कभी अपलोड हो रहा है जाए, उसमें क्लियर लिखा हुआ है हम मछली खाते हैं। तेजस्वी यादव की तरह एक अखिलेश यादव _ RBL नाम के यूजर ने लिखा है कि ऐसे तो मैं शाकाहारी हूँ, लेकिन कुछ लोग मांस खाते हैं मंगलवार नवरात्रि जैसे दिन छोड़कर। क्या उस दिन भगवान आदेश दे देते हैं कि कुछ भी खाओ, या वो छुट्टी पर रहते हैं? जिंदगी में जितेंद्र प्रताप सिंह जैसे दोगलापन नहीं होना चाहिए। खाते हो तो कभी भी खाओ, वरना पूर्ण शाकाहारी रहो। अखिलेश यादव _RBL को आजाद विजय उपाध्याय नामक एक यूजर ने कुछ इस तरह जवाब दिया है, जिसमें उसने वीडियो जारी करने की तारीख को ही बदल दिया है और लिखा है, भाई साहब कम से कम लोग दिनों का परहेज तो कर रहे हैं, अगर ऐसा ना हो तो रोज खाने वाले राक्षस सभी हो जाएंगे। वैसे तो किसी भी दिन नहीं खाना चाहिए, पशु पक्षी सबका अधिकार है जीने का, सभी से मिलकर पर्यावरण बना है। ये वीडियो 9 को डालकर तेजस्वी यही दिखा रहे हैं कि मैं सनातन धर्म नहीं मानता। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मछली खाने वाले दो में से एक शख्स ने इसका वीडियो बनाते वक्त ही कह दिया था कि इस वीडियो को देखकर कई लोगों को मिर्ची लग जाएगी, और उनका ये कहना सही साबित हो रहा है। तो हम आपको छोड़े जा रहे हैं मुकेश सहनी के उसी कथन के साथ। मजबूती से हम लोग प्रचार प्रचार कर रहे हैं, और वही थोड़ा सा समय मिलता तो वही हम लोग का लंच हेलीकॉप्टर में ही हो जा रहा है, और प्याज मछली और मिर्ची ये सारी चीज नमक है, सारी चीज हम लोग खा रहे हैं। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले। और निश्चित तौर पे हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। योगेश चक्रवर्ती, RAD News, पटना।